अगर आप सेकेंड ईयर में हैं इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में, सो ये वीडियो आपके लिए है। सो बेसिकली क्या है कि आप अगर सेकेंड ईयर में हैं तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना फ्यूचर आप ब्राइट बना सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। खास करके आजकल बहुत सारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स मुझे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं सर हम नहीं चाहते हैं, जो हमारे सीनियर्स फेस कर रहे हैं हम वो नहीं चाहते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट पहले होता था वो बहुत धीरे धीरे डाउन जा रहा है। तो इस सिनेरियो में हम क्या ऐसा करें ताकि हमारा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो और जस्ट आफ्टर बीटेक हमें ज़्यादा स्ट्रगल करने का ज़रूरत ना पड़े, हमें इजीली गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कुछ ऐसा चीज़ें जो आप कर सकते हैं। देखो भाई साहब, अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो ये प्राइम टाइम है आपका डिसीजन लेने का कि आपको करना क्या है। तो आपके पास मेजरली बोलूँगा तीन फील्ड है। तीन फील्ड में पहला क्या है आपके पास प्राइवेट जॉब, दूसरा क्या है आपके पास गवर्नमेंट जॉब। बट गवर्नमेंट जॉब में ही दो पार्ट आता है, एक क्या आता है टेक्निकल और एक क्या आता है नॉन टेक्निकल। बात समझ पा रहे हो? आपको डिसीजन अब लेना है मुझे करना क्या लाइफ में, और उस हिसाब से क्या करना है आपको एक रास्ते को चूज करना है। एटलीस्ट ये करना है कि प्राइवेट करना है तो प्राइवेट करना है, गवर्नमेंट करना है तो गवर्नमेंट करना है। उससे क्या होगा आप थोड़ा मच जाओगे, अपने आप से अंदर से प्रिपेयर हो जाओगे कि हाँ मुझे तो यही करना है भाई और इसी में मेहनत करूँगा मैं तो। और ज़्यादा बंदों के मतलब हर तरह का चीज़ें ना देखो, क्यों इससे लॉजिक है, कन्फ्यूज़ होंगे आप। 100 ऑप्शन होते हैं ना हम कन्फ्यूज होते हैं, एक ऑप्शन होता तो हम करते हैं वही करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डेली काम करके खाने वाला बंदा, डेली मजदूर वाला बंदा, उसका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। उसको पता है मैं सुबह उठूँगा चाय चोई पीऊँगा जाऊँगा सड़क किनारे खड़ा होऊंगा, कोई आएगा मुझे काम देगा, काम करूँगा पैसे कमाऊंगा घर आऊँगा खाऊँगा पीऊँगा फिर सोऊँगा फिर सुबह उठ के जाऊँगा वहीं पर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन अगर कन्फ्यूज़न किसको है, जिसको 10 तरह का चीज़ें पता है, जिसने डिसीजन नहीं लिया है। तो आपको डिसीजन लेना है मुझे करना क्या है। और सपोज़ दैट आपने मान लो सोचो कि प्राइवेट जॉब मुझे करना है, तो आपको करना क्या है आपको बता रहा हूँ। प्राइवेट जॉब भी आजकल क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं अच्छे कंपनी में, खास कर फ्रेशर के लिए। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है एप्टीट्यूड, और आप जो पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग उसके बेसिक बेसिक क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना है। एप्टीट्यूड के कोई बुक खरीद लो, ये ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस देखना रेफरेंस पर्पस के लिए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उससे लिए, बट प्रैक्टिस सिर्फ बुक से पढ़ो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये चीज़ बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और इसका फीडबैक मुझे काफ़ी आ रहा है स्टूडेंट का। मैं आपको बता देता हूँ क्यों बता रहा हूँ। जितने भी हम पेड कोर्सेज सेल करते हैं, मेरा नहीं पूरे प्लेटफॉर्म की बता रहा हूँ, कम से कम 500 कोचिंग सेंटर्स उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं जिस प्लेटफॉर्म का मैं आपको स्टार्स बता रहा हूँ। ओनली 40-50 मैक्सिमम 60% स्टूडेंट्स सारे वीडियोस को देखते हैं जो परचेज करते हैं, जो खरीदते हैं, फ्री वाला तो छोड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ, डिसिप्लिन में नहीं रहते, पैसे तो देते हैं लेकिन वो पूरा वीडियो देखते नहीं। ओनली 60% यार, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। सो भाई साहब आपको करना क्या है, आपको किताबों से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, ये वीडियो से सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लो मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा। आप अगर वेल डिसिप्लिन हो, एक्सेप्शनल हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए मेरे एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रिपरेशन अब से शुरू करें, कम करो यार, ऐसे मत करना 5 घंटे में पढ़ लूँ ना, 5 घंटे पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, आप फिर 10 दिन बाद छोड़ दोगे। डेली 20-30 मिनट 40 मिनट दो, जो पढ़ा उसको रिविज़न करो। जैसे आज मैंने तो कुछ पढ़ा, कल पढ़ूंगा, लेकिन आज जो पढ़ा कल मैं दोबारा रिवीजन करूंगा। ऐसे रिवीजन करते चलो, फिर क्या होगा आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा टिल द एंड। फिर कहीं आप टेस्ट लिखोगे एप्टीट्यूड टेस्ट, तो आपका काफ़ी अच्छा होगा, राइट। उसमें भी परफॉर्मेंस करना ज़रूरी है प्राइवेट, अच्छे प्राइवेट जॉब में जाने के लिए। कैंपस प्लेसमेंट भी होता है और ऑफ कैंपस में भी ये चीज़ करवाते हैं फ्रेशर के लिए अच्छे कंपनी में, तो आप पहले से प्रिपेयर रखो। अब आते हैं गवर्नमेंट जॉब में। देखो भाई साहब, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन मेजरली ऑप्शन क्या होते हैं, स्टेट लेवल जॉब होते हैं, राइट, और आपका टेक्निकल जॉब होते हैं जो सेंट्रल लेवल पर हैं, या फिर नॉन टेक्निकल। तो आपको चूज़ करना है टेक्निकल में जाना है या नॉन टेक्निकल में जाना है। अब से मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर एक केस स्टडी आपको बताना ज़रूरी है। मेरे जो दोस्त थे लगभग 60-70 स्टूडेंट्स ने क्या करे थे, उन्होंने प्रिपरेशन किया था गवर्नमेंट जॉब के लिए। 2012 की बात कर रहा हूँ, 12 से बात कर रहा हूँ।
तो उनमें से जितने उन्होंने टेक्निकल का प्रिपरेशन किया था उनका जॉब कम लगा गवर्नमेंट सेक्टर में एज कम्पेयर टू जिन्होंने नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन किया था। ये था स्टार्ट। अब बात करती है इंटरेस्ट की। बात आपका इंटरेस्ट रियली में, अगर इंटरेस्ट किसी में तो उसमें जाओ। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको तो नौकरी से मतलब है, गवर्नमेंट जॉब से मतलब ही, आप नॉन टेक्निकल पार्ट को पकड़ो, आसान रहेगा आपके लिए गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना। जो मुझे लगता है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट गाइस, किसके बारे में? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब करना है तो किसके बारे में प्रिपरेशन करना है? तो भाई साहब देखो, एसएससी जेई स्टेट लेवल, इनके प्रिपरेशन करने की खास ज़रूरत नहीं है। पहले तो क्या करो, आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें, फर्स्ट क्लियर बेसिक कंसेप्ट, देन क्या करिए आप गाइस, देन आप आ जाओ किस पर, क्वेश्चन सॉल्व करने पर। सो टारगेट कौन से एग्जाम को करें? टारगेट आप दो एग्जाम को करो, दोनों एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, क्या एक गेट और एक ईएससी के। अगर दोनों को आप टारगेट करोगे तो आपका कोई ना कोई अच्छा काम हो जाएगा। गेट को टारगेट तब करना है जो आपको पीएससी में जाना है या फिर एमटेक करना है। अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है, मतलब यूपीएससी क्रैक करना है, तो आपको ईएससी को टारगेट करना है। ये दोनों क्या है, थोड़े डिफिकल्ट एग्जाम में, पहले ही बताया तो मैं बोलूंगा बहुत आसान है, फिर मुझे बोलोगे बाद में ना डिफिकल्ट एग्जाम में, बट इंसानी तो हैं जो कर रहे हैं। आपके पास टाइम है, आपके पास तजुर्बा है, आपके पास सीखने का क्षमता है, आपके पास कैपेबिलिटी है, बिकॉज आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो, तो आई एम श्योर यू कैन डू दैट इफ यू फॉलो द पाथ राइट वे। अब गाइस बात करते हैं, बता दिया करना क्या है, लेकिन कैसे करना है? भाई साहब देखो, अगर गेट का प्रिपरेशन करना है तो शुरू करो कहाँ से, जो आप अब पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा मत जाओ। जैसे अभी आप मैथमेटिक्स पढ़ चुके होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप मैथ्स का तैयारी प्रिपरेशन कर लो। मैथ्स आता है 15 नंबर का 100 में से। फिर एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करो, थर्ड ईयर तक आपका मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पूरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए गेट का कि मजा आ जाए आपको, राइट। और थर्ड ईयर तक जितना सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो, बिकॉज गेट में मोटा मोटा 12 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से वेटेज वाला जो होते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा वेटेज है, उसके बाद मैथ्स ज़्यादा वेटेज है, उसके बाद एप्टीट्यूड, ये तीनों कवर करते हैं 40-45 नंबर का, राइट। ये तीनों कवर करें 40, तो इनको तो आप निचोड़ के खा जाओ। इसके बाद आता है क्या, तीन और पार्ट, एक थर्मल आता है, एक डिज़ाइन आता है, और एक आपका ऐसे बोल सकते हो मतलब थोड़ा सा अलग आता है। जैसे थर्मल में क्या आता है बता रहा हूँ, थर्मोडायनमिक्स, RAC, HMD, IC इंजन, RAC एंड IC इंजन से कम क्वेश्चन आते हैं 3-4 नंबर के इन जनरल। HMT और थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, राइट, मतलब लगभग आई थिंक एटलीस्ट 13-14 नंबर का आएगा HMT और टोटल मिला के आपका आएगा 16-17 मार्क्स का। अब आते हैं थ्योरी ऑफ मशीन, और आता है फ्लूइड मशीन मैकेनिक्स, ये भी काफ़ी, और सोम, ये भी काफ़ी अच्छे वेटेज, ये तीनों मिला के 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे लगभग, 20 से 22 नंबर का। MD से कम क्वेश्चन आता है कंपेरेटिवली, मैकेनिक्स से कम क्वेश्चन आता है कंपेरेटिवली। तो आपको क्या करना है, एडवांस नहीं जाना है, क्वेश्चन वही सॉल्व करना है जो आप पढ़ रहे हो रिसेंट, किस में, सेमेस्टर में, करेंट सेमेस्टर में, उनको ही करना है आपको। बच्चे क्या करते हैं, एक महीना के लिए, 10 दिन के लिए, 2 महीने के लिए एडवांस जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको डेडिकेशन देना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। रिमेंबर गाइस, ओनली वन थिंग इज द की टू गेट सक्सेस, दैट इज क्या, कंटिन्यूटी। मैं बहुतों को जानता हूँ जो मेरे से बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज शायद मैं उनसे आगे हूँ, बिकॉज मैं कंटिन्यूस अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। आपको भी करना है, और कंटिन्यूस इम्प्रूव ही नहीं करना है, कंटिन्यूस अपने आप को अपग्रेड करना है, चीज़ों को लेना भी है अपग्रेडेशन के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब पहले मैं अकेले काम करता, फिर देखा कि अकेले से काम नहीं चलेगा, अपना टीम बनाओ, फिर हमने टीम बनाया, फिर देखा टीम से काम नहीं चलेगा, अपने को फाउंडर्स ढूंढो, को फाउंडर ढूंढा, फिर देखा को फाउंडर से काम नहीं चलेगा, अपना इन्वेस्टर ढूंढो, फिर देखा इन्वेस्टर से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना चाहिए, एक वेल प्लेटफॉर्म चाहिए। वेल प्लेटफॉर्म से भी काम नहीं चलता है, आपको चाहिए बेस्ट पीपल, दैट्स वाई दे विल वर्क फॉर यू, दे विल हेल्प यू टू ग्रो देमसेल्फ एज वेल एज टू यू, दे विल हेल्प यू टू ग्रो, राइट। So in this way, what is happening basically, in this way, the total connectivity is happening. Once you will connect each and everything in the right way, you can achieve anything in the world. But remember my dear, success is a journey, not the destination. So you have to keep preparing, keep challenging yourself, not others. Look at others, who you are. Look at yourself, not others. Who are you basically? And then what you have to do? You have to challenge yourself. Today I am here, I'll be there tomorrow. Challenge yourself, compare yourself. This is the best way to improve and to beat others in this highly competitive world.
I hope you got my point. I want you to take action. Knowing things is not going to help you, my dear. You have to take action. If you'll take action, then anything or everything you can achieve. But the promise is that you have to give time, effort, and you need to have patience. If you have patience and you can give these two things, these other two things, what are those? Effort and time, then I am sure. GATEs and ESEs, and these are things and nothing. Because let me tell you a very good example, my dear. Cracking this examination comparatively easy or easier than working in the field, which examination you are cracking. Suppose that you are cracking UPSC. Cracking is really easier than working in that condition, in that post, for which post you are cracking the exam. Don't believe me, just anybody. Just ask anybody who is working in bank. Just ask anybody who is in bureaucrats. Just ask anybody who won the election because of people. But now, to meet the expectation of people is really, really difficult task. So this is all about this video. Thanks for watching. Thank you very much. Now what you have to do? Subscribe to the channel, press the bell icon, like this video, share with your friends, and thank you very much. Best of luck. Bye-bye.